गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो व्हाट वी नो कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज दैट व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नाउ वी डिस्कस अबाउट डीकम्पोजिशन रिएक्शन. सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन फर्स्ट वी अबाउट एक्टिविटीज. सो एक्टिविटी हम पढ़ेंगे. एक्टिविटीज में पहला टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फर. टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट. सेकेंड हम क्या करेंगे, फर्स्ट टेक अ टेस्ट ट्यूब. एक टेस्ट ट्यूब इसमें क्या किया, 2 ग्राम FeSO4 फेरस सल्फेट लिया हमने 2 ग्राम एक टेस्ट ट्यूब में. एक और 2 ग्राम फेरस सल्फेट इन अ टेस्ट ट्यूब. इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको एक टंग से जो है उसको होल्ड करेंगे. होल्ड इट विद द हेल्प ऑफ अ टंग. होल्ड इट विद द हेल्प ऑफ टंग. सो हमने इसको टंग से होल्ड कर दिया. होल्ड विद टंग, पेयर ऑफ टंग विद टंग. इसके बाद हम क्या करेंगे, टेक कैप इन अ बर्नर. इसको हमने क्या करेंगे, बर्नर में फ्रेमने से रखेंगे. आफ्टर सम टाइम वी ऑब्जर्व कलर कि जो आपका फेरस सल्फेट था उसका कलर कैसा हुआ. पहले इनिशियल कलर क्या था, जैसे ग्रीन कलर इनिशियल था, तो फाइनल कलर क्या होगा वो उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे. अब हम क्या देखेंगे कि जो हमारे पास फेरस सल्फेट है FeSO4 सॉलिड रहेगा, उसको हीट कर रहे हैं हम. हीट करने पे टूटा आपका क्या बनाएगा, Fe2O3 प्लस सल्फर है तो SO2 प्लस SO3. जो आपका ये है सॉलिड फॉर्म में रहेगा. SO2 आपका कैसा है, गैसियस फॉर्म में. SO3 आपका किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में. बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, तो Fe2O3 हो गया. 4 2 जाए 8 ऑक्सीजन, 3 3 6 प्लस 2 8 ऑक्सीजन बैलेंस. सल्फर 2 है तो 1 और 1 2 सल्फर, तो रिएक्शन बैलेंस है. अब हमें क्या करना है, मुझे पढ़ना है डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो हमने क्या किया भाई, एग्जांपल लिया, एक्टिविटीज लिया कि भाई 2 ग्राम आपको 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेना है टेस्ट ट्यूब में. उसको क्या करना है, टंग से होल्ड करना. होल्ड करने के बाद कैप इन अ बर्नर एंड हीट इट. बर्नर पे रख के उसको हीट करना. हीट करने के बाद हम देखेंगे उसमें क्या होता है, कैसा ऑब्जर्वेशन होता है, क्या उसका कलर चेंज होता है. तो हमने देखा कि भाई ग्रीन कलर था वो क्या हुआ. तो इसके अंदर जो आपका फेरस सल्फेट, देखो तो फेरस सल्फेट आपका टूटा तो क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 SO2 एंड SO3. तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या बोलेंगे कि व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन. इसके अंदर देखो क्या हुआ, सिंगल रिएक्टेंट है, ब्रेक डाउन हुआ, क्या बना, 1 2 3 प्रोडक्ट. मतलब अगर आपका एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है और एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल जाते हैं आपको, तो आप उसको क्या बोलोगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन. इट मीन्स व्हेन अ सिंगल प्रोडक्ट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल प्रोडक्ट विद टू और मोर प्रोडक्ट, देन इट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन. अब दिस डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ हीट. दिस डीकम्पोजिशन, देखो ये जो आपके पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो किसके कारण हो रही है, ड्यू टू हीट. तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हीट डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हैं इसको. अब हम दूसरा एक्टिविटीज लेते हैं. फर्स्ट एक्टिविटी सेकेंड एक्टिविटी. डीकम्पोजिशन रिएक्शन की सेकेंड एक्टिविटी. तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे, लाइमस्टोन बोलते हैं इसको. कैल्शियम कार्बोनेट लेना है, लाइमस्टोन. लाइमस्टोन को क्या करेंगे, हम हीट करेंगे. और आपको पता है जब भी हम क्या करते हैं, लाइम स्टोन इज हीटर देन कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी आपको. ये किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड. ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा और ये गैसियस फॉर्म में रहेगा. इसको क्या बोलोगे आप, क्विक लाइम. ये क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसमें क्या आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो क्या है, सिंगल रिएक्टेंट है. सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है तो क्या बनेगा, 1 और 1 2 प्रोडक्ट है. तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रेक डाउन
फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो एक ऐसा आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं तीसरी एक्टिविटीज लेते हैं। एक्टिविटीज नंबर थर्ड, इसमें हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें आपको लेड नाइट्रेट लेना है, टेक अ टेस्ट ट्यूब अबाउट 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट कैप्ड इन इट एंड होल्ड बाय विद द हेल्प ऑफ टंग पेयर और नेक्स्ट इट कैप्ड इन अ बर्नर। जैसे आप लेड नाइट्रेट लेंगे इसको हम क्या करेंगे बर्नर पे रखेंगे, उससे होगा क्या, उसमें को लेड नाइट्रेट क्या की NO3 का होल ट्वाइस, जैसे हमने उसको हीट किया ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा लेड ऑक्साइड प्लस NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। बैलेंस करते तो यहाँ 2 के कर देते तो हो जाएगा 2 PbO, नाइट्रोजन 2 2 4, तो यहाँ पर कितने आएंगे 4 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन काउंट करते 2 4 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने 3 2 6 12 ऑक्सीजन, 4 2 8 ऑक्सीजन यहाँ 2 यहाँ और 2, तो कितने टोटल हो रहे हैं 2 10 12 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर कितने 3 2 6 2 12 ऑक्सीजन, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। इसके अंदर भी क्या जो आपका लेड नाइट्रेट है वो आपका सिंगल रिएक्टेंट है, ब्रेक डाउन हुआ इसमें 2 प्रोडक्ट कितने 1 2 3 आपको 3 प्रोडक्ट मिले, इट मींस क्या हो गया सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रोकन डाउन ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट देन दिस इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो सारे क्या आपके डीकंपोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल है। अदर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो हम एक काम करते हैं सिल्वर क्लोराइड लेते हैं AgCl। जैसे आप क्या करते हो सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखोगे, जैसे सिल्वर क्लोराइड को हम क्या करेंगे सनलाइट में क्या रखेंगे तो Ag अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा, तो 2Ag2AgCl। व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज कैप्ड इन सनलाइट देन इट ब्रेक डाउन टू फॉर्म सिल्वर एंड क्लोराइड, इट मींस आपका जो सिल्वर क्लोराइड है उसके ऊपर आ ग्रेनिश कलर की लेयर उसके ऊपर आ जाएगी, तो इसका मतलब क्या सनलाइट में सिल्वर क्लोराइड आपका ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन हो रहा है इसमें हम बोलेंगे देखो सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हुआ कितने 1 और 1 2 प्रोडक्ट है, तो हम क्या बोलेंगे कि वेयर अ सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रेक डाउन इनटू 2 प्रोडक्ट 2 और मोर प्रोडक्ट देन दिस इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट डीकंपोजिशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या करना है आपको डिस्प्लेस करना है एक मेटल को डिस्प्लेस करना उसके प्लेस से विद हेल्प ऑफ अदर मेटल। डिस्प्लेस मींस क्या डिस्प्लेस करना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय द हेल्प ऑफ अनदर मेटल व्हिच इज मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट मेटल, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसपे हम एक्टिविटी समझते हैं, पहली फर्स्ट एक्टिविटी डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है, टेक अ 3 आयरन नेल, सबसे पहले टेक अ 3 आयरन नेल, सेकेंड टेक अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन टेस्ट ट्यूब ए, साफ कर लेंगे। इसके बाद में हमने क्या किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना टेस्ट ट्यूब ए का, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी अबाउट 10 ml, आफ्टर व्हेन टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड फिल विद 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड 2 नेल्स आयरन नेल कैप्ड इन सॉल्यूशन आफ्टर अबाउट 20 मिनट्स। अब क्या करना है जो कॉपर सल्फेट है उसको उसके अंदर आपको 2 आयरन की नेल डिप करना है, डुबाना है अबाउट 20 मिनट,
और जो सेकंड वाला इसको हमने बोल दिया ये बी है, इधर हम सेकंड ए का टेस्ट भी वैसे रखेंगे, इसके अंदर पता सकते हैं 20 मिनट बाद हम क्या करेंगे, दोनों सॉल्यूशन को बाहर निकाल लेंगे, ये आपका ए है, ये ए और ये बी। जैसे आप क्या करोगे आयरन नेल को हम उससे बाहर निकालेंगे, जिस सॉल्यूशन में आयरन नेल थी वो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, लाइट डार्क होगा, सेकंड के साथ क्या होगा डीप डार्क। इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका आयरन था उसमें ऐसे ही सॉलिड फॉर्म में था, वो कॉपर सल्फेट लेंगे, कॉपर सल्फेट से सॉलिड सॉल्यूशन के फॉर्म में है, रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा FeSO4, और जो कॉपर है वो वहां से डिस्प्लेस हो गया, ये कैसा आपका रहेगा सॉल्यूशन, ये जनरली ब्राउन कलर का होगा, तो जो आपकी नेल है वो ब्राउन हो जाएगी बिकॉज द डिपॉजिट ऑफ FeSO4 जो कॉपर है वो आपका रिमूव हो जाएगा, यहाँ से धीरे धीरे सरफेस पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो Fe था आयरन ने कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से रिमूव कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो वेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द अदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हम सेकेंड एग्जाम्पल समझते हैं, आप क्योंकि कॉपर ने जो लेड है उसने कॉपर को रिमूव कर दिया, जिससे कॉपर सल्फेट से कॉपर क्लोराइड से, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेस मतलब क्या है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थैंक यू।